नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा। आज आपको विज्ञान से संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपके टीटी, सुपर टीटी और डीएलएड अन्य सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो इनको ध्यान से पढ़िए और अपनी तैयारी जारी रखिए। तो पहला क्वेश्चन बनता है, परमाणु का द्रव्यमान निहित होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन में। तो आप यहाँ पर तीसरा विकल्प देखिए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में परमाणु द्रव्यमान निहित होता है। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु बराबर होता है, किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, तो उसका परमाणु क्रमांक बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 2.8 लास्ट में जो होता है, उनकी जो है पूरी जो संख्या होती है, पूरी भरी होती है, तो यहाँ पर 2.8 उनका होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से तत्व का वो गुण जो पूर्णता पूर्ण करता है, किसका पूर्णांक है अर्थात, तो वहाँ पर क्या है, परमाणु क्रमांक वो गुण है जो गुण सभी से पूर्णांक है, परमाणु क्रमांक के आधार पर ही सब कुछ होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में भिन्न होती है, दोनों जो समस्थानिक परमाणु हैं तो उसमें क्या भिन्न होता है? तो वहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। तो जो परमाणु द्रव्यमान का जो मात्रक है, मापा जाता है, वो कार्बन 12 से मापा जाता है। तो कार्बन 12 इसका अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, बाकी सारी तीनों चीज़ें होती हैं। पदार्थों के अणुओं में परिवर्तन होता है, नया पदार्थ बन जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? प्रत्यावर्तित परिवर्तन मतलब जिसे हम रिवर्स भी प्राप्त करते, तो यहाँ पर मोम का पिघलना है। तो मोम का पिघलना क्या है? मोम जब पिघलेगी तो उसे हम ठंडा करके प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो आप देखिए, केवल कागज का जलना, कागज जल कर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसों में परिवर्तित हो जाता है। बाकी कोयला को पीस कर तो कोयला कोयला ही रहता है, कागज के चाहे जितने टुकड़े कर दे कागज ही रहेगा, है ना, कांच चाहे जितने तोड़ डाले कांच ही बने रहेंगे। तो यहाँ पर ये रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, बाकी तीनों में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। अगला है, ज्वाला का फूटना क्या है? तो ज्वाला का जो फूटना है या ज्वालामुखी का फूटना है, यहाँ पर क्या कहलाता है? अनियमित परिवर्तन कहलाता है, कोई उसमें नियमित नहीं कब फूट जाए। तो ज्वालामुखी का जो फूटना है, ये अनियमित परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि दिन रात का होना क्या कहलाता है? तो दिन रात का होना क्या है? एक निश्चित है, नियमित है, नियमित है और प्राकृतिक परिवर्तन, बाकी तीनों नहीं है। देखिए ऑप्शन भी आप तीनों देखिएगा, एक नहीं जो बताते जाए वही केवल आप देखें। अगला है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3O इसी को हाइड्रोनियम आयन जो है देते हैं, बाकी तीनों गलत है। अगला क्वेश्चन है, आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आमाशय में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पदार्थ में प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति किसमें होती है? हैं, ये जो ब्रांस्टेड एंड लोरी के अनुसार जो संकल्पना है, तो यहाँ पर अम्ल ऐसा है जो प्रोटॉन देता है। अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन युगल ग्रहण करके उपसह संयोजक बंध बनाने की जो है प्रवृत्ति रखता है, ये लुईस की अवधारणा के अनुसार कौन है? तो ये भी अम्ल है जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर किसके अनुसार करती है? तो आयनन के अनुसार वो निर्भर करती है।
अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और या क्षार वो है जिसका अणुभार अधिक होता है, वो प्रबल अम्ल और क्षार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन क्या होता है, हाइड्रोजन आयन देता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थ के मध्य उपसह संयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आयनन प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है, तो उदासीनीकरण क्रिया में लवण व जल बनते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा कितनी होती है, तो 13,700 कैलोरी इसकी ऊष्मा होती है। अगला क्वेश्चन, जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे क्या कहलाते हैं, वो हाइड्रेसिड कहलाते हैं, जैसे HCN है, HCl है, है ना, तो ये इनमें हाइड्रोजन और जिनमें ऑक्सीजन और सल्फर नहीं होते हैं वो हाइड्रेसिड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे क्या कहलाते हैं, वो सब सामान्य लवण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न लवणों में संकर लवण कौन है, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प देखिए, K4FeCN6, तो यहाँ पर ये संकर लवण है, और K2SO4 L2SO4 (23×24H2O) ये किसका सूत्र है, ये हमारे कमेंट्स बॉक्स पे लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो लवण जल में घोलने पर अम्लीय विलयन बनाता है वो क्या कहलाता है, तो वो CuSO कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लवण का जलीय विलयन क्षारीय होता है, किस लवण का जलीय विलयन क्षारीय होता है, तो यहाँ पर CuSO4 है जिसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, कितनी क्षारकता होती है, तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल की क्षारकता 1 होती है। निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण क्या है, तो जल प्रदूषण देखो तीनों में चारों में वाहित मल जो है सीवेज है, यही से ज्यादा जल प्रदूषण होता है। DDT क्या है, DDT एक प्रकार की क्या है, कीटनाशक औषधि है, ठीक है ना, तो कीटनाशक है। DDT का फुल फॉर्म हमारे कमेंट बॉक्स पे भी लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कारण है, तो वायु प्रदूषण में कूड़े का जलना, आग लगना, मोटर वाहनों का धुआं, तीनों चीजें आती हैं, तो ये सभी हैं। शीशा मुख्य रूप से किसका प्रदूषक है, शीशा या लेड PB, ये जो है आपका वायु प्रदूषण है। आप जानते हैं शीशा, जब आप पेट्रोल डराते होंगे तो लिखा होता है लेड रही शीशा मतलब पेट्रोल, तो ये वायु प्रदूषण करता है। Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6, ये BS4, BS, ये सब शीशा से ही आया है कि जिसमें लेड जो प्रदूषित कम करे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जो है मानवकृत आपदा नहीं है, तो मानवकृत आपदा में भूकंप जो है जो मानव नहीं रहता, बाकी मानव के द्वारा हो सकनी हो सकती है, बम विस्फोट हो सकता है, रेल दुर्घटना होती है, तो मानव से हो सकते हैं। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये सन 2005 में आपदा प्रबंधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है, तो जनसंख्या क्यों ज्यादा बढ़ रही है, अनियंत्रित जन्म दर है और जनसंख्या वृद्धि ये जनसंख्या विस्फोट का कारण है। सुनामी का निर्माण होता है, तो सुनामी जब बनती है तो पृथ्वी की जो प्लेट है खिसक जाती है, उसी से सुनामी होती है। अगला है, सुनामी का जो संबंध है किससे संबंध है, पानी के अंदर जो हलचल उत्पन्न हो जाती है, जो लहर उत्पन्न हो जाती है, उसी से सुनामी का संबंध है। अगला है, बादल फटने का क्या कारण होता है, तो बादल क्या होता है, अचानक जो है भारी वर्षा हो जाती है, बहुत तेज वर्षा हो जाती है, तो कहते हैं बादल फट गया। कह रहे हैं भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है, तो भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन होता है उसे हम भूकंप कहते हैं। चक्रवात का आकार कैसा होता है, तो चक्रवात का आकार जो है अंडाकार होता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह का को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, किस ग्रह को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, तो यहाँ पर प्लेटो को जो है, पहले 9 ग्रह थे,
अब हटाकर 8 ग्रह कर दिए गए, तो प्लेटो को हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर बोतल खोलने वाला जो यंत्र होता है वो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है। प्रबल क्षार यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर NaOH एक प्रबल क्षार है। अधपका मांस खाने से कौन सा रोग होता है? तो एंथ्रेक्स रोग होता है। रसांकुर जो बिलाई होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये क्षुद्रांत में, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो यहाँ पर दूध से दही जलना रासायनिक है, गन्ना से सिरका बनना ये भी रासायनिक, कागज का जलना रासायनिक, बालों का जलना यहाँ पर भौतिक परिवर्तन है। नींबू में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पर साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड पाया जाता है। खट्टा खट्टा जितने पदार्थ हैं उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सरौता में आलम कहाँ होता है? तो सरौता में आलम जो है किनारे पर होता है। घड़ी की चाबी देने में किस ऊर्जा को संग्रह करते हैं? तो यहाँ पर घड़ी की चाबी देने में गतिज ऊर्जा को संग्रह करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में क्या होता है? तो नाइट्रोजन अणु में त्रिक संयोजक बंध होता है। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान 40 है, तो तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, तो 25 हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है। पेट्रोल में क्या होता है? जो आपका सब है उसमें ब्यूटेन पेंटेन ये सब होते हैं, कार्बन होता है, तो ये रासायनिक ऊर्जा है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। एक अगला क्वेश्चन है, वह उत्तोलक जिसमें आलम व आयाम केंद्र के जो है मध्य भाग में होते हैं, तो ये ट्रॉली कहलाते हैं। ट्रॉली ऐसा है जो आलम और आयाम बीच में होता है। मृदा का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मृदा की लाल रंग जो है आयरन ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। नियमित रूप से खाद में प्रयोग करने से क्या होता है? खाद के प्रयोग करने से क्या होता है? खाद के प्रयोग करने से उपज में तो वृद्धि होगी, और ज़्यादा खाद में डालोगे तो वहाँ पर जो है बंजर भूमि भी बन सकती है। तो इस प्रकार से 55 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन का उत्तर हमारे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? जीवन का मूल आधार क्या है? मतलब जीव विज्ञान में जीवन का मूल आधार किसे कहते हैं? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? और जो दांत है, दांत के ऊपर जो है आवरण किसका चढ़ा रहता है? तो ये कुल मिला के 5 क्वेश्चन का उत्तर हमारे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। और देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है, हमको कमेंट्स में बताइएगा अच्छे लगे कि नहीं लगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।